तेलंगाना हरमकोंडा राज्य सरकार की सचेतक पालका सुमन ने अधिकारियों को कमलापुर क्षेत्र में सरकार द्वारा लागू की जा रही कल्याण और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। मंगलवार को समाहरणालय में सरकारी सचेतक बालका सुमन, परकाल विधायक चल्ला धर्मा रेड्डी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कॉन्फ्रेंस हॉल में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर बालका सुमन ने कहा, उन्हें आने वाले हफ्ते के दिनों में निर्धारित सभी विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, काम में तेजी लाने के लिए जरूरी मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और काम 24 घंटे पूरे जोर शोर से चलता रहे। अंचल में सड़कें, सीवर, पेयजल, बिजली स्पष्ट किया कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था, मिशन सुविधाओं और डबल बेडरूम के निर्माण कार्य में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों को हर मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलापुर अंचल में ग्राम स्तर पर आपातकालीन कार्यों की सूची बनाकर सड़कों के किनारे एवेन्यू प्लांटेशन को शस्त्रागार के रूप में लिया जाए और आकर्षक पौधे लगाए जाए। परकला विधायक चल्ला धर्मा रेड्डी ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और किसी भी समस्या को उनके संज्ञान में लाया जाना चाहिए। सरपंच द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों के बिल शीघ्र प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन करने की भी बात कही। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा, डीपीओ स्वयं गांवों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की निगरानी करें। उन्होंने कहा, काम शत प्रतिशत पूरा किया जाए। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि काम पूरा पैमाने पर किया जाए। पूर्ण किए गए कार्य शीघ्र ही ऑनलाइन उत्पन्न होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में डीआरडीओ श्रीनिवास कुमार, डीआरडीओ वासुचंद्रा, डीपीओ जगदीश्वर, सीपीओ सत्यनारायण रेड्डी, योजना अधिकारी अजीत रेड्डी, कमलपुर एमपीडीवीओ पल्लवी, इंजीनियरिंग अधिकारी कमलापुर जोन के विभिन्न गांवों के सरपंच और अन्य शामिल थे। तेलंगाना हरमकोंडा, नव भारत समाचार, कैमरामैन फिरोज के साथ अक्रम की रिपोर्ट। తర్వాత ఒక 5